गौरी, हम ना तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाए, आ जाओ खा लो। चलो। नहीं भाभी, मन नहीं। अरे मन हो चाहे ना हो, खाना तो तुम्हें पड़ेगा, आ जाओ। नहीं भाभी, प्लीज। अच्छा, वैसे गौरी आज हम बहुत खुश हैं। आज हमने पहली बार अकलमंदी का काम किया, पता तुम्हें? देखो, हमने जीजा जी के बारे में तुम्हें बताया, तुम्हें जीजा जी पे शक हुआ और फिर उनकी चोरी पकड़ी गई, है ना? भाभी ये नहीं होना चाहिए था, ये सब बुरा है, बहुत बुरा है। पता नहीं आगे क्या होगा, तब अम्मा जी उर्मिला जी जी कैसे बर्दाश्त कर पाएगी ये सब। हाँ लेकिन गौरी तुम टेंशन ना लो, हम है ना, हम तुम्हें बता रहे ना, सब ठीक हो जाएगा। एक बार जीजा जी की चोरी साबित हो जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका चोर वाला चेहरा ना सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद देखना, अम्मा जी का गुस्सा ना कपूर की तरह हवा में उड़ जाएगा और वो तुम्हें सीने से लगा लेंगी, है ना? नहीं भाभी, मुझे अम्मा जी के गुस्से का टेंशन नहीं है, मुझे उर्मिला जीजी की तकलीफ का टेंशन है। मतलब देखिए अम्मा जी अगर मुझे डांटे फटकारे तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन ये सच्चाई सामने आने के बाद एक बार फिर उर्मिला जीजी हर्ट होंगी, एक बार फिर उनका विश्वास टूट जाएगा। आप समझ रही हो क्या मैं क्या कह रही हूँ? ना जाने कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो ये सदमा। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था, फिर तो वो चोर की बीवी कहलाएंगी, है ना? हाय, कहीं ऐसा ना हो लोग उनके हाथ में ऐसा तो नहीं लिख देंगे कि मेरा पति चोर है। भाभी क्या कह रही है आप, ऐसा मत कहिए। अच्छा उर्मिला, अब रोने से क्या होगा बेटा, हैं? चुप हो जाओ, रो मत। उसे जो करना था वो तो उसने कर लिया ना, चुप हो जाओ। अब तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो, क्यों अपना ये हाल बना रही हो? तो हम क्या करें अम्मा, गलती हमारी है, जो हमने गौरी को अपनी सहेली समझकर उससे प्रकाश जी की पर्सनल बातें शेयर की। नहीं जानते थे अम्मा वो हमारी बातों का ऐसे फायदा उठाएगी। अम्मा ये बात सच है कि प्रकाश जी ने हमारे जेवर जबरन भेजे, लेकिन हमें बताकर वो कभी चोरी नहीं कर सकते अम्मा, पर गौरी को उन्हें चोर बना दिया। तो बनाएगी ना बेटा, क्योंकि उसके घर में चोरी करना कोई नई बात नहीं है, उसने जो देखा है वही सीखा है। हम तो उसे देखते से ही समझ गए थे, इसकी परवरिश में ही खोट है। हमने तुम्हें समझाया था ना, लेकिन किसी ने हमारा कहा नहीं माना। हमने तुमसे कहा था कि इस गौरी से जरा दूर रहो, लेकिन नहीं, मुन्ना और तुमने हमारा कहा नहीं माना। बेटा तुम लोग तो हमें अपना दुश्मन समझते हो, अब भुगतो। देखा ना, दामाद जी को चोर बना दिया उसने। हमें माफ कर दीजिए अम्मा, हम बहुत शर्मिंदा हैं जो हमने आपकी बात नहीं मानी। खैर जाने दो बेटा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम गौरी को नहीं छोड़ेंगे, उसके खानदान को सबक सिखा के रहेंगे हम। हेलो, हम बोल रहे हैं श्रीमती नर्मदा शुक्ल बनारस से। अरे नमस्ते नर्मदा जी, कैसे हैं आप? वो सब छोड़िए, लेकिन हमारी एक बात जरा ध्यान से सुनिए। हम आपकी बेटी को वापस मुंबई भेजने वाले हैं जल्दी। क्यों, मतलब अचानक क्या 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 हुआ है, सब ठीक है ना? ठीक कैसे होगा, जब वो आई ऐसे घर से है जहाँ चोरी करना एक रिवाज हो। आप क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं, हम आपको समझाते हैं ना। देखिए क्या है, आपकी बेटी ने हमारे दामाद पर चोरी का इल्जाम लगाया। और उस बात को लेकर हमारे घर में बवाल हो रहा है बहन जी,
लेकिन आप हमारी एक बात याद रखिएगा, अगर गौरी की इस हरकत से हमारी बेटी की जिंदगी पर जरा सी भी आंच आई तो आपकी बेटी का भी घर नहीं बसेगा और हम उसे खुद मुंबई भेजेंगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं आप शांत हो जाइए नर्मदा जी, आप शांत हो जाइए, मेरी गौरी से बात कराइए प्लीज। हाँ मैं बात करती हूँ गौरी से और उसकी तरफ से आपकी माफी मांगती हूँ, आप शांत हो जाइए। हाँ आपकी माफी से कुछ नहीं होगा बहन जी, हमने तय कर लिया है गौरी की इस गलती की सजा है उसकी मुंबई रवानगी। वो भी हमेशा के लिए। आईला किती वाईट वाटलं असेल, काय करू मी? काय गो काय झालं? काय नक्की काय केलंय गौरीने, काही कळायला काही मार्गच नाहीये। अगो पण काय झालं काय तरी सांगशील? मी सांगत होते तिला, तू या भानगडीत पडू नकोस, अगं ते प्रकाश त्या घरचे जावई आहेत, तर त्यांच्यावर संशय घ्यायचा आणि काहीतरी बोलायचं म्हणजे केवढा तरी घोळ होऊन बसेल, तर हट्टी आहे अगदी स्वतःच्या बाबांसारखी। अगो पण काय झालं काय तरी सांगशील? ते काही कळायला मार्ग नाहीये ग, गौरीने खरं खोटं केलंय काहीतरी नक्कीच। माझी गौरी उगीच खरं खोटं करूची नाही, समोरच्याची काहीतरी चूक असल्याशिवाय मुळीच बोलूची नाही ती। अग पण मग दरवेळी खरं खोटं करायची गरज असतेच का? काही गोष्टी सोडून द्यायच्या असतात ना, माफ करून पुढे जायचं असत। आता आपल्या घरामध्ये निशाच्या हातून किती चुका झाल्या, माफ केलं ना आपण? चुका पोटात घालून नातं जपायचं असतं, ते महत्वाचं असतं, हे शिकवलं ना आपण तिला? मला काही कळतच नाहीये, अग घरच्या जावयावर संशय घेतलाय तिने, काय झालं असेल त्या घरामध्ये? आपल्याकडे देतात त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त मान देतात तिथे जावयाला, हे सगळं गौरीला माहिती आहे, तरी पण आपल्या बाबासारखा नको तिथे सच्चेपणा दाखवायला जाते। तरी वाटे सारख्या ठेचा लागत होत्या, कळत होत कुठतरी नावं ठेवतंय, पण तित्व अशी असं वाटलं नव्हतं का? माझा लेकीचा उद्धार का चाललाय एकत्र? नाही तसं काही नाही, जाऊ बापू लवकर येला, कसा झाला प्रवास? आणि फोन बिन नाही आला तुमचा काय? तो रेकॉर्डिंग कॅन्सल झालं, स्टेशन डायरेक्टर मीटिंगला मुंबई निघाले, त्यांच्या आरोपी पण निघालो। काय कंबर धरली आहे का? तुम्ही हातपाय धुवून घ्या, मी चहा देते आणि बाम लावून देते तुम्हाला। वय झाला आई, विषय बदलू नका। काय चाललं होतं गौरीच्या सच्चेपणाबद्दल? आई नाही काय झालं जावय बापू माहितीये, नची बद्दल चालला होता आमचा, निशा माहेरी गेली ना, हा पण तिच्या मागोमाग माहेरी गेला, बर दिस काय ते ठीक आहे। मग गौरीचा काय संबंध आहे? अहो संबंध कसं नाय, म्हणजे काय झाला, सरून गौरीक फोन केल्यात, म्हणजे गौरीन काय सांगितल्यान ना नचिक, तर तो ऐकता ना म्हणून कि बाबा नचिक फोन कर, की असा वाग की असा वागू नको। हा पण ती तुमचीच लेख ना, तिने उलट ऐक समजावल्या की तू असा बोलूच नको, आताच्या या अशा निशाच्या अवस्थेत ना त्या नचिक तिच्या बरोबर रवा कसो या म्हणून। अच्छा म्हणून आमच्या बापलेकींचा उद्धार चाललो होता काय? गौरी बरोबर बोलली, नची निशाची काळजी घेतोय बरोबरच आहे। बरोबर बोलला सरे गो, जावय बापूंचा पट्टा हा माका, जावय बापू तुम्ही हात पाय धुवून घ्या, मी चहा टाकते।
तू घाबरतस काय? वेळ काय बघून सांभाळून घेऊचा लागता कळला? अगं हो, आता तू इथे सांभाळून घेतलंस तर ठीक आहे, पण फोनवर त्या अम्मा फारच भडकलेल्या होत्या ग. काय होणार आहे काही कळत नाहीये मला. घूमती रहोगी जौनपुर वाली है? हम क्या कहते हैं, तुम बैठ जाओ, हाँ, चिंता मत करो और सब भोलेनाथ पर छोड़ दो, वो सब भली करेंगे. हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है, वो चोर नहीं है. अम्मा जी हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, कब तक उनका इंतजार करेंगे ऐसे? कयामत तक. हाय, लेकिन अम्मा जी कयामत आने में तो सालों लग सकते हैं, तो क्या हम तब तक बैठे रहेंगे, ऐसा कैसे? सरला अपना मुंह बंद करो और जाकर बैठो चुपचाप. जी अम्मा जी. चोरी जीजा जी ने की और सजा हमें मिल रही है, कब आएंगे सब? हाय, कितनी देर लगा दी आप लोगों ने. चीजा जी की चोरी पकड़ी गई है, तो आपने क्या सोचा है, उनको उनको पुलिस में देंगे या फिर घर में चक्की पिसवाएंगे? कुलदीपक साहब आइए, कराए शुक्ल खानदान का नाम रोशन. जौनपुर वाली देखो, हम क्या कहते हैं कि जरा शांति से काम ले. कैसे काम ले शांति से माता जी? नहीं, आप बताइए कैसे शांति से काम ले. हमारे नौ निहाल खानदान के मुंह पे काले पुतवा के आ रहे हैं गौरी के कहने पे. शर्म नहीं आई मुन्ना तुमको? शर्म नहीं आई अपनी बीवी के बातों में आकर अपने बहनोई पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? हम किसी की बातों में नहीं आ रहे, सच कह रहे हैं. सच कह रहे हो तो सबूत दिखाओ. सबूत नहीं है, वो जयसवाल पलट गया. अच्छा, तो हम सच कह रहे हैं, ये सब मिले हुए, ये सब के सब मिले हुए. हमने खुद देखा था, जीजा जी के फोन पे जयसवाल का फोन आया था. एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मुन्ना कि प्रकाश जी के फोन पे जयसवाल का फोन आया था? बोलो ना, चुप क्यों हो? सब सुन गया तुमको? बताओ सबको कि बीवी ने चाबी भरी और तुम बिना सोचे समझे चल पड़े झूठ को सच साबित करने, है ना? अम्मा, हर बात में गौरी जी को भी इसमें क्यों लेके आ जाती हैं आप? गौरी जी ने कुछ नहीं किया. हम जब दीदी के कमरे में गए थे सच्चाई पता लगाने के लिए ना, तब हमने खुद देखा था कि जीजा जी के फोन पे जयसवाल का फोन आ रहा था. लानत है मुन्ना तुम पर, लानत है तुम पर, जो अपनी बीवी की बातों में आकर तुमने अपनी बहन के कमरे की तलाशी ली, उसके पति के फोन को हाथ लगाया तुमने.
कहां से सीखी? कहां से सीखी तुमने ये सारी बातें? बोलो, हाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो किसी को आदत नहीं है ऐसे चोरी चकारी करने की, बहन बेटियों के कमरे में जाके उनकी तलाशी लेने की। कहां से सीखी? हाँ, अपने ससुराल से सीखी होंगी, है ना? बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हो इस बार तुम ससुराल से, है ना? लेकिन बेटा, वहां तो ससुराल में चोरी करने का रिवाज है, तुमने तो अपने घर में चोरी की। बस पी कीजिए नर्मदा जी, कहां की बात कहां ले जा रही हैं आप? और गौरी के मायके वालों को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है, और मुन्ना पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं आप। अरे, अपनी बहन के कमरे में जाना कोई चोरी है? देखिए, जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मुंबई में होता होगा जरूर। अम्मा, हर बात में गौरी जी को बीच में मत लेके आइए आप। शर्म कीजिए शेफ भैया। पहली बात तो ये कि आप अपनी बीवी के बहकावे में आकर हमारे पति पर चोरी का इल्जाम लगा रहे, और दूसरी बात कि आप अम्मा से सवाल जवाब कर रहे, वो भी तब जब यहाँ पर सब जानते हैं कि इस बात पर अम्मा गलत नहीं है। बस कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। हाथ जोड़ते हैं आप, सब लोग शांति बनाए रखें, और मुन्ना पर दोष लगाना बंद कीजिए। हमें इस पर पूरा भरोसा है। ये पक्का जोरू का गुलाम बन चुका है बड़े साले साहब। भाई, इतने दिनों मुंबई में जो रहा है, और मुंबई वालों ने पट्टी तो पढ़ाई होगी ना, हैं? भाई क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतना मालदार आसानी जो है, हैं? हर बार अपनी बीवी के लिए नए गहने बनवाएगा और वो चुपचाप उस पर हाथ साफ कर लेंगे। काकाई चोर कहीं के। बस कीजिए। चुप है इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है हम। सबूत नहीं मिला फिर भी चोरी चोरी होती है और चोर चोर होता है। ना, क्या बदतमीजी है ये? हम क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मां, इनको देखिए ना। मुन्ना, फोन दीजिए। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो तुम प्रकाश जी का। फोन दो अभी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फोन दो। नहीं, देखिए अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फोन दो ना मुन्ना, हाथ छोड़ो। फोन दो। नहीं, क्या? अरे तुम पहले ही बहुत बेइज्जती कर चुके हो। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में दामाजी की बेइज्जती हो। हाथ छोड़ो तुम। फोन दो। जब तक ये सच नहीं बोलेंगे तब तक हम फोन नहीं देंगे। आखिरी बार कह रहे हैं, हाथ छोड़ो। ना, फोन दो ना। जब तक ये फोन नहीं देंगे ना, इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुन्ना, हाथ छोड़ो। सच्चाई जानना चाहते हो ना? सच्चाई जाननी है तुम्हें तो अपनी बीवी से पूछो, क्योंकि इसके मायके वाले गहने बेच के खा गए हैं। अगर आप यही चाहती हैं, तो अब सच्चाई का पता पुलिस लगाएगी। पुलिस करेगी? कुछ तो शर्म करो। शर्म की क्या बात है? अब हम तो वैसे भी परिवार के मुंह पे काले पोत ही चुके हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है? चलो घर। शिवाय नजर रोको ना। नको, क्यों जाएंगे हम? हमें पुलिस पता लगाएगी क्या सच है? पुलिस पता लगाएगी इनको और जयसवाल का क्या रिश्ता है? भविष्य क्या करें? चलो ना, छोड़ो। देखो बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे मंदिर जैसे घर का अपमान मत करो। यहाँ पुलिस मत बुलाओ। अगर यहाँ पुलिस आई तो हम मरकर तुम्हारे दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे? माफ करो दादी जी, पर अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दादी जी, माता जी, पानी लेकर आ। मुन्ना, माता जी, छोड़ के।
हाँ, चलिए आओ।